अल्लाह बुलाता रहा, हमने कोई ना सुनी। अल्लाह रोकता रहा, हम कोई ना रुके। अल्लाह पुकारता रहा, हमारे कानों में मौसीकी मौसीकी उतरती चली गई। सुनना ही छोड़ दिया। कुरान क्या कह रहा है? ये हवा कुछ पैगाम देखे गई है, ये काला बादल कुछ कहानी सुना के गया है, ये गरजने वाली बिजलियां मुझे कुछ कह कर गई हैं, ये हिलने वाली जमीन कुछ पैगाम दे रही है। पर हाय हाय, कान बंद रहे, आंखों पे पर्दे आ गए, दिल निकाल के फेंक दिए और पत्थर वहां फिट कर दिए, एहसासात की दुनिया को उजाड़ के वीरान कर दिया। सहराओं जैसी वीरानी छा गई, जंगलों जैसी वहशत छा गई। अल्लाह पुकारता रहा, मैंने कोई ना सुनी। अल्लाह बुलाता रहा, मैं कोई ना आया। वो बार बार सदाएं देता रहा और मैं उतना दूर होता गया, दूर होता गया। वो रहमत के दरवाजे खोलता गया, मैं उतना दलेर होता गया। वो अपनी सत्तारी के चादर को गहरा करता चला गया और मैं और आप उतना दलेर होते चले गए। इधर जमीन फरियाद कर रही थी, अल्लाह तू मुझे कब इजाजत देगा। इधर पानी फरियाद कर रहे थे, इधर फरिश्ते फरियाद कर रहे थे, और इधर इंसान की तौबा थी के होने का नाम न ले रही थी। अल्लाह मोहलत दे रहा था, दे रहा था, दे रहा था, और ऐलान कर रहा था जब आएगा इसकी तौबा कबूल करूंगा। 70 साल की उम्र में आए या 80 साल की उम्र में आए, जिस उम्र में आएगा ये ताना ना सुनेगा, पहले कहां थे, अब क्यों आए हो, पहले कहां थे, अब क्यों आए हो, ये ताना ना सुनेगा कि धरती तो गुनाहों से भर दी, रूआ दाग दाग तुमने गुनाहों से कर दिया, अब मेरे पास क्या लेने आए हो। ये कभी ना सुनेगा जिस उम्र में जिस हाल में तौबा करेगा, अपने रब को इस्तकबाल में पाएगा। कैसा इस्तकबाल? जो तौबा करने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ता है तो मेरा अल्लाह कहता है मैं अरशों से उतर कर उसका इस्तकबाल करता हूँ, मैं अरशों से उतर कर उसका इस्तकबाल करता हूँ। इतनी सब कुछ